हेलो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जुडिशियल एग्ज़ाम प्रीलिम्स, जुडिशियल एग्ज़ाम मेंस में आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट दे पाएंगे अगर आप इस तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं। अब ये वीडियो दोनों चीज़ों की बात करती है, चाहे ये आप प्रिपरेशन के दौरान की बात करें या अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तब आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ जुडिशियल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। और सबसे जो उसका मेन अहम पार्ट है, द मेन पार्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये सजेशन बेस्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको काफ़ी टिप्स दूंगा कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो ईजिली आप पेपर को, एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हुए आपका ना ही कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो छूटेंगे, ना ही आपके कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे आते हुए भी आप उनको गलत नहीं करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इस पर्टिकुलर वीडियो का, इट इज़ रिगार्डिंग, दोस्तों इसका मतलब है कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन है उसमें कुछ पार्ट्स हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे उत्तराखंड का, उसमें जीके का पेपर है एक सेपरेट पार्ट और लॉ का कंबाइंड सेपरेट पार्ट। तो आपको एक आइडिया लेना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स चेकआउट नहीं करते तो आपको ओवरऑल आइडिया नहीं मिलेगा कौन से पार्ट में से क्या चीज़ पहले अटैम्प्ट की जाए। पहले अटैम्प्ट क्यों करना है कोई ऐसा पार्ट, उसका रीज़न मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में उसको जस्टिफाई करूँगा कि आपको एरिया वाइज क्यों चलना है, आपको डिफरेंट एरियाज़ को स्टडी करना है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अब अगर मान के चलिए उत्तराखंड एग्जामिनेशन है, आपको लगता है कि आपकी जीके की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है जनरल नॉलेज की, तो आप चाहते हैं कि ये इतने अच्छे से प्रिपरेशन की है इसमें, उसमें कोई जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में आपको जानकारी होगी कोई गलत नहीं होगा, गो फॉर इट, पहले जीके वाला पार्ट अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका लीगल पार्ट बहुत स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, आप लॉ वाला पार्ट जो अच्छे से प्रिपेयर किया आपने बट जनरल नॉलेज रिसेंट अपडेट्स आप गो थ्रू नहीं कर पाए, एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा मौका ना लेके चलिए कि आप डीमोटिवेट फील हो, आपको गिव इट अ ट्राई कि जो पार्ट आपको आता है पहले उस पार्ट को आप अटेम्प्ट करें। अब जैसे दिल्ली जुडिशल में है उसमें इंग्लिश भी है प्रीलिम्स में, जीके भी है और लॉ का पार्ट भी है, देन यू हैव टू डिसाइड एट दैट मोमेंट। वो कैसे डिसाइड होगा, अगर आपने पहले पैटर्न देखा होगा किस स्टेट में कौन से पार्ट्स किस परसेंटेज में पुट किए जा रहे हैं। अब जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज रिगार्डिंग प्रोविजंस यू आर अवेयर, दोस्तों इसका मतलब है अगर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जिनको आपने अच्छे से गो थ्रू किया, आपको लगता है कि अगर इस एरिया में से कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट किया जाएगा उसमें गलती का कोई भी पॉइंट नहीं है, पहले आपको वो पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास दो तरह के क्वेश्चन हैं, वन इज जो आपको डायरेक्टली आता है, द अदर पार्ट इज तीन चार क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो आपको नहीं आते। क्वेश्चन पेपर के टॉप पे आप एक बार उस पेज को मार्क कर सकते हैं कि इस पेज पे हमने ये क्वेश्चन अभी छोड़ा है जिस पे आप बाद में फिर से आए, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, कई बार पूरे एग्जामिनेशन पेपर में एंड वाले 12-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको आते हैं बट क्योंकि टाइम बहुत कम है आप उस पार्ट को छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि आपने टाइम अपना जो था वो उस पर स्पेंड किया जो आपको नहीं आता था। अवॉइड दिस थिंग, जो आता है उसको पहले आप टिक आउट करें कि ये पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर सेक्शंस, ये पर्टिकुलर बुक मैंने अच्छे से रीड आउट की, पहले मेरे को ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जामिनेशन में, इट विल इंक्रीज द चांसेस टैकल द पेपर इन अ बेटर वे। और दोस्तों कई बार ऐसा है कि एग्जामिनेशन आते हुए भी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि हम जिसको बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हमने ये चीज़ गलत कर दी, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में। इसका रीज़न है क्योंकि कई बार पेपर आते हुए भी हम सोचते हैं कि एज इट इज़ ये इलस्ट्रेशन है, बट दोस्तों जुडिशरी का पेपर है, अगर हम इलस्ट्रेशन में कोई भी इफ़ बट एंड
अगर कोई भी उस पॉइंट को वहां से स्किप कर देते हैं, उसका ऑल टुगेदर मीनिंग चेंज हो जाएगा लाइन का। हमने ऑप्शन तो एज पर इलस्ट्रेशन या एज पर गिवन टेक्स्ट इन द बेयर एक्ट जो पढ़ा वो मार्क कर दी, बट वहां पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर वर्ड या कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज जिससे उस सेंटेंस की फॉर्मेशन या उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, जो कि एग्जामिनेशन में स्किप किया गया। आपको ये गलतियां नहीं करनी। तो एग्जामिनेशन में आप सोचते हैं मेरे को ये प्रोविजन आती है, जल्द से आंसर मार्क कर दिया कि पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, या पूरे का पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी बुक में देखा था, या बेयर एक्ट की इलस्ट्रेशन है, बट उस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से इट कुड चेंज द मीनिंग। तो वो ट्रू का फॉल्स बन सकता है एग्जामिनेशन में, और अगर फॉल्स है आंसर तो वो ट्रू बन सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसको थोड़ा सा मोल्ड किया गया। ट्राई के पूरे की पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आती है या नहीं आती, उसको आप अच्छे से रीड करें, फील कॉन्फिडेंट आफ्टर रीडिंग द पेपर। एक हल्का सा ओवरव्यू लेने के बाद एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, रादर बी जस्ट कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। आपके उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में प्रॉब्लम रह गई, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। दोस्तों एक और पॉइंट जो मैंने लिखा यहाँ पे, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। अब आप सोचेंगे कि रिजल्ट की वेट ना करेंगे तो पेपर क्यों दिया। मेरा मतलब ये है, कई बार जो कई स्टेट्स हैं जिनमें रिजल्ट जो होता है इट इज़ आफ्टर 6 डेज 10 डेज, बट कई बार कुछ कारणों की वजह से, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से रिजल्ट पोस्टपोन हो जाता है। इट कुड बी टिल 30 डेज 35 डेज 45 डेज, राइट। तो आप वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, देन आई विल स्टार्ट फॉर द मेंस प्रिपरेशन। ये सबसे बड़ी गलती है। रीजन क्या है, आपने जो अभी 30-35 डेज वेस्ट किए, बट आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे आर स्टिल स्टडिंग, वो अभी भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इस साल पेपर नहीं निकला देन वॉट, अगले साल निकलेगा। आपको प्रिपरेशन बंद नहीं करनी, कॉन्टिन्यू इट टिल द एंड। एंड मतलब इंटरव्यू जिस दिन आप दे के आते हैं, इवन देन आप अपनी नॉलेज अपग्रेडेशन, जनरल नॉलेज को भी मत छोड़िए। यू नेवर नो कि इंटरव्यू भी फिर से हो सकता है। यू नेवर नो कि आपको, अगर आपने मेंस दे के आए हैं, इट कुड बी कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है या सेकेंड में निकल जाता है, बट 1% आउट ऑफ 100 अगर नहीं निकल पाता, यू शुड नॉट ब्रेक दैट, जो आपकी वो प्रॉपर सिस्टम बनाना पढ़ने का, ये चीज़, ये सर्कल ब्रेक नहीं करना। इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। तो आपको ये जो टाइम वेस्टेज है इन बिटवीन, जो बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेके चलें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे और वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे नॉलेज लेने की। ये आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उनके रिगार्डिंग अपडेट्स मिल पाएँ साथ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू गिव योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो।